विभिन्न चोरी के मामलों को अंजाम देने वाले एक कुख्यात चोर ने मानकापुर में एक बड़ी रकम पर हाथ साफ किया है। जी हां, इस शातिर चोर ने 1.5 करोड़ की चोरी और घटना को अंजाम देने के बाद प्रेमिका संग फरार हो गया। मानकापुर थाना क्षेत्र की साई बाबा कॉलोनी में एक घर में बेहद बड़ी रकम की चोरी का मामला सामने आया है। फरार आरोपी का नाम कलमना निवासी नरेश महिलांग की उम्र 26 वर्ष है। साई बाबा नगर में मनीषा विजय कपई उम्र 52 वर्ष के विशाल बंगले में चोरी हो गई। मनीषा ने 19 मई मानकापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को बताया कि 71 लाख नकद और एक कार चोरी हो गई है। पुलिस ने CCTV के आधार पर चोर की तलाश शुरू की तो पता चला कि चोर नरेश महिलांगे है। पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पता चला कि वो अपने पिता के साथ है, जो कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में रहता है। पुलिस का एक दस्ता तत्काल वहां पहुंचा। तब तक नरेश बाकी बचे 73 लाख रुपए लेकर प्रेमिका के साथ रफू चक्कर हो गया था। पुलिस ने उसके पिता के घर से एक कार और 77 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। आपको बता दें कि नरेश पर शहर व ग्रामीण क्षेत्र समेत विभिन्न स्थानों पर चोरी के 20 से अधिक मामले दर्ज है। नवम्बर 2021 में एक मामले में जेल में रहते हुए वो कोरोना से संक्रमित हुआ था। मेडिकल कॉलेज में पुलिस को चकमा देकर नरेश फरार हो गया था। उसे पुलिस ने जनवरी माह में राजनांदगांव से गिरफ्तार किया था। ये भी पता चला है कि उसने लक्कड़गंज पुलिस की हिरासत में कील खाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। ऐसे शातिर चोर ने एक बार फिर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसे अब पुलिस तलाश कर मामले की जांच में जुटी हुई है। श्रीमती मनीषा कपई जो मानकापुर चौक में रहते हैं, वो उनके रिलेटिव के मैरिज के लिए पंजाब गए थे। तो उस समय 17 मई को जो उनकी हाउस ब्रेकिंग क्रैश पास हो गया था, उसके बारे में कंप्लेंट दाखिल थी। 19 तारीख को गुना मानकापुर पुलिस स्टेशन में दाखिल था। उसमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि जो आरोपी है उसमें उन्होंने घरफोड़ी की, तो उसकी वहाँ फिंगरप्रिंट भी हमको मिली। जो फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट से वो मैच भी हो गई, तो उसके बारे में जो आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो उदयपुर गाँव का है, तहसील जिला खैरागढ़ और स्टेट छत्तीसगढ़ का जो आरोपी है, जो रिकॉर्ड पे है नरेश कुमार महिलांगे ने, उन्होंने वो घरफोड़ी की। उसके बारे में हमारे सीनियर PI और उनकी टीम जो PSI अंबे पवार और जो डगवाल गवई यादव मोहल्ले बोहेर, ये जो हमारा स्टाफ है, ये CP सर के मार्गदर्शन में, जॉइंट CP मैडम के मार्गदर्शन पे और जो एडिशनल CP क्राइम सर है उनके मार्गदर्शन में जो कार्रवाई की वहाँ जाके, तो वहाँ उनका घर सर्च किया गाँव में जाके, तो उनके पिताजी है जो इसमें आपने आरोपी किए हैं अंकालू महिलांगे, उनके पास से जो 77.50 लाख जो कैश रिकवर किए और वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर भी जो बेवारस वाहन मिला है वो जो चोरी का था वहाँ का, तो उसमें 2 लाख कैश मिली है। ऐसे टोटल 80 लाख तक की कैश रिकवरी लगभग हो गई है। और आगे भी जो आरोपी है वो टोटल 1.20 CR कैश है, तो जो मेन आरोपी है वो अभी तक फरार है, उसके पास बाकी कैश है, हमारी टीम उसके ऊपर वर्क कर रही है। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।